नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बीते सप्ताह की उन सभी जरूरी खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में टारगेट ISPCS ऑनलाइन बैच 15 सितंबर से प्रारंभ है, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया अभी जारी है। इस बैच में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आपको मिलेगा देश के जाने माने विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन। यहां सामान्य अध्ययन के विशाल पाठ्यक्रम से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान, चाहे वो समस्या हो प्रारंभिक परीक्षा के बदलते हुए प्रारूप के अनुसार विश्लेषणात्मक प्रश्नों की, या फिर बात करें मुख्य परीक्षा में लेखन शैली की, या फिर समस्या हो सीसेट और निबंध के लिए प्रशासनिक सोच विकसित करने की। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता भी विकसित करते हैं। आलोक सर के कुशल निर्देशन में देश के विषय विशेषज्ञों की टीम के साथ इस बैच में आपको मिलेगा 1150 घंटे की सटीक और रणनीतिक कक्षाएं, मुख्य परीक्षा के लिए सभी टॉपिक का अंतर विषयक समझ के साथ अध्ययन, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग हस्तलिखित सारगर्भित और अद्यतन नोट्स, सीसेट की कक्षाओं का विस्तृत कवरेज और अखिल भारतीय स्तर पर टेस्ट सीरीज सुविधाएं। तो आज ही ज्वाइन करें टारगेट ISPCS ऑनलाइन बैच और विद्यार्थी नहीं प्रशासक बनिए। इस बैच से जुड़ने के लिए 9918000454 पर एंट्री IAS लिखकर व्हाट्सएप करें। इस बैच से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने टेको कोनिशी को भारत के लिए अपना नया केंद्रीय डायरेक्टर नियुक्त किया है। कोनिशी भारत के नए केंद्रीय डायरेक्टर के तौर पर सरकार और अन्य संस्थानों के साथ ADB की नीतियों के संचालन और संवाद का नेतृत्व करेंगे। कोनिशी को ADB में कार्य करने का 20 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। इस दौरान टेको कोनिशी अपने पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को 31 सदस्यों के साथ किया गया। इसका मुख्यालय मनीला में है और वर्तमान में ADB के कुल 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। पृथ्वी पर मौसम की तरह सूर्य भी 11 वर्षों के चक्कर का अनुसरण करता है, जिस दौरान सौर गतिविधियों में सोलर मिनिमा और सोलर मैक्सिमा के बीच उतार चढ़ाव होता है। नासा के अनुसार सूर्य ने एक नया सौर चक्र शुरू किया है, जिससे पृथ्वी पर प्रौद्योगिकी के साथ साथ अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा पर कुछ व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। नासा ने आगे बताया कि दिसंबर 2019 में सूर्य ने एक नया सौर चक्र शुरू किया, जिसका नासा और राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के विशेषज्ञों ने सौर चक्र 25 नाम दिया। नासा के अनुसार इसका मौसम परिवर्तन में व्यापक प्रभाव हो सकता है, साथ ही अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संरक्षित नहीं हैं, उन्हें खतरनाक मात्रा में विकिरण से मारा भी जा सकता है। वहीं पृथ्वी पर रेडियो संचार और प्रौद्योगिकी के लिए बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत किया गया। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। कोरोना महामारी को लेकर भारतीयों के लिए एक खुशखबरी आ रही है। दरअसल भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन लाने के लिए हाल ही में रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष द्वारा भारत को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ एक समझौता किया है। डॉक्टर रेड्डीज द्वारा भारत में इस वैक्सीन के प्रयोग के लिए नियामकीय अनुमति प्राप्त करने के लिए तीसरे चरण के परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि अभी तक इस वैक्सीन के मूल्य के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया।
आपको बता दें कि इस समझौते के तहत डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को केवल वैक्सीन खरीदने की अनुमति होगी। इस समझौते के तहत वैक्सीन को भारत में निर्मित करने की अनुमति शामिल नहीं की गई है। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच पहली बार कतर में शांति वार्ता हो रही है। इस उद्घाटन समारोह में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ऑनलाइन हिस्सा लिया। वहीं विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह दोहा पहुंचकर भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच होने वाली शांति वार्ता भारत के लिए भी काफ़ी अहम है और अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के करीब हैं और भारत का पाकिस्तान के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान की भूमिका भी किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने 20वें संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे सत्तारूढ़ दल के भीतरी कलह का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल श्रीलंका सरकार 20वें संविधान संशोधन के माध्यम से साल 2019 के 19वें संविधान संशोधन को बदलना चाहती है। इस संविधान संशोधन को लेकर भारत भी चिंतित है, क्योंकि अगर यही परिस्थिति रही तो भविष्य में श्रीलंका सरकार 13वें संविधान संशोधन को भी समाप्त कर सकती है। 20वें संविधान संशोधन के मसौदे को 2 सितंबर को श्रीलंका सरकार ने पेश किया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति पद की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए विधायी प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रीलंका सरकार द्वारा प्रस्तावित 20वें संविधान संशोधन में संवैधानिक परिषद को संसदीय परिषद के साथ बदलने का प्रावधान किया गया है। आगामी नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के कई राज्य पोस्टल वोटिंग विकल्पों को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पोस्टल वोटिंग का विकल्प कोविड-19 महामारी के कारण चुना जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के विपरीत व्यवस्था है। यहां राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराने के लिए सरकार से अलग और स्वतंत्र कोई चुनाव आयोग जैसी संस्था नहीं है। यहां का संविधान राज्यों को इस बात का अनुदान देता है कि वे चुनाव कैसे कराते हैं, जिसके चलते अलग अलग प्रांतों में नियम भी अलग अलग होते हैं। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका में सभी संघीय, राज्य और स्थानीय चुनाव सीधे व्यक्तिगत तौर पर राज्यों की सरकारों द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। अमेरिका का प्रत्येक राज्य पोस्टल वोटिंग की अनुमति देता है, लेकिन नियम हर राज्य में अलग अलग होते हैं। सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में स्थगन प्रस्ताव को लाया जाता है। बीते दिनों में ऐसा ही एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल मीडिया खबरों में चीन के लिए जासूसी का मुद्दा बीते दिनों चर्चा का एक विषय बना हुआ था। इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के 2 सांसदों ने चीन द्वारा भारत के 10,000 से अधिक व्यक्तियों और संगठनों पर निगरानी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव को लाने का नोटिस दिया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने चीन की मंशा का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से साइबर सुरक्षा पर भारत के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने का भी आग्रह किया है। सदन में स्थगन प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। सामान्य तौर पर इसमें ऐसे मामले होते हैं जिसके गंभीर परिणाम होने की संभावना होती है और उसका प्रभाव समूचे देश की सुरक्षा पर पड़ता हो। इतना ही नहीं, स्थगन प्रस्ताव के लिए यह भी आवश्यक है कि सदन को अपने सामान्य कार्य को रोक कर उस विषय पर तत्काल विचार करना आवश्यक हो। आसान भाषा में कहें तो स्थगन प्रस्ताव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके स्वीकृत होने पर लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है। देश में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन और मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाले विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है। विश्व बैंक की ओर से जारी 2020 की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2018 के मुकाबले सुधार किया है। साल 2018 में भारत का स्कोर 0.44 था, जो हालिया रिपोर्ट में बढ़कर 0.49 हो गया है।
आपको बता दें कि पिछली रिपोर्ट में भारत 115वें पायदान पर था। मानव पूंजी सूचकांक में दुनिया के 114 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया। ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं। मार्च 2020 के बाद से ही पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। अमेरिका ने अपने लॉन्च होने वाले स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने सिग्नल स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। यह स्पेसक्राफ्ट इसी महीने की 29 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में छोड़ा जाएगा। नॉर्थरोप ग्रूमैन एरोस्पेस कंपनी नासा के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को सप्लाई पहुंचाने के लिए सप्लाई एयरक्राफ्ट का काम करती है। अभी तक वह ऐसा 13 बार कर चुकी है। अब 29 सितंबर को 14वीं बार उड़ान भरेगी। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी हरिवंश सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। हरिवंश के नाम से लोकप्रिय हरिवंश नारायण सिंह ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार मनोज झा को पराजित किया। मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं। आपको बता दें कि मनोज झा को 12 विपक्षी पार्टियों ने अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया था। कोविड-19 के चलते तमाम बदलावों के साथ हो रहे इस मानसून सत्र में चुनाव ध्वनिमत से कराया गया। लोकसभा में 14 सितंबर को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति विधेयक 2020 को भी पारित कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सकों की उपलब्धता को सुदृढ़ करना है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। इस आयोग में 20 सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष के अलावा होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के महानिदेशक के साथ होम्योपैथी के लिए चिकित्सा समीक्षा और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इन दोनों विधेयकों में होम्योपैथी के साथ साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए सलाहकार परिषदों का भी गठन करने का प्रस्ताव है। वैज्ञानिकों ने 14 सितंबर को बताया कि उन्होंने निर्जन शुक्र ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है। इन वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के अम्लीय बादलों में फॉस्फीन नामक एक गैस का पता लगाया, जो यह बात को इंगित करता है कि पृथ्वी के निकट जीवाणुओं का निवास हो सकता है। देश की प्रख्यात कलाविद कपिला वात्स्यायन का 16 सितंबर को दिल्ली में निधन हो गया। 91 वर्षीय कपिला को देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और ललित कला अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि सरकार सीधे तौर पर पर्याप्त राजकोषीय सहायता मुहैया करा रही है। क्रिसिल ने अपने पूर्व के अनुमान में भारी बदलाव किया है। इसके पहले मई के महीने में जारी अनुमान में कहा था कि वर्तमान वित्त वर्ष में GDP में 5% की गिरावट आ सकती है। क्रिसिल ने आगे कहा कि अगर GDP में 9% की गिरावट आई तो यह 50 के दशक के बाद की सबसे बड़ी गिरावट होगी। दिल्ली में संसद की नई इमारत बनाने का ठेका दिग्गज कंपनी टाटा को मिल सकता है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने संसद की नई इमारत बनाने के लिए लगभग 862 करोड़ की बोली लगाई। वहीं इंजीनियरिंग कंपनी L&T लिमिटेड ने नया संसद भवन बनाने के लिए 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने L1 बोली जीती है, न कि यह अंतिम बोली है, लेकिन टाटा को काम मिलने की संभावना प्रबल है, जिसकी प्रमुख वजह प्रतिद्वंद्वियों का रेस से बाहर हो जाना है। भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसकी घोषणा केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस समिति में 16 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित को भी रखा गया है। यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्गम और विकास का समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी।
भारतीय डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5-स्टार गांवों के नाम से एक योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने की खाई को पाटने का प्रयास करेगी। 5-स्टार गांव योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्धता को और अधिक प्रचारित किया जाएगा। शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए 1-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। जापान की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन का महिला एकल खिताब जीत लिया है। आर्थर एस स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेका को शिकस्त दी। पहले सेट में पिछड़ने के बाद ओसाका ने जबरदस्त वापसी किया। ओसाका ने अजारेका को 6-3, 6-3 से हराया। US ओपन के महिलाओं में सिंगल्स का यह फाइनल मुकाबला USTA बिली जीन्स किंग नेशनल टेनिस सेंटर में खेला गया। महज 22 साल की ओसाका का यह दूसरा US ओपन और ओवरऑल तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक और समस्या मुक्त बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। इससे वरिष्ठ और दिव्यांगजनों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लाभ की उम्मीद की जा रही है। बैंकिंग सुधार के एक हिस्से के रूप में डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से ग्राहकों को उनके दरवाजे पर तमाम तरह की बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए लाए गए विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने 16 सितंबर को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया। हालांकि इस विधेयक को लोकसभा में पिछले ही सत्र में पारित करा लिया गया था। विधेयक में जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को पहली बार AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पहली बार असाधारण शिक्षकों की पहचान करने और राष्ट्रीय स्तर पर डिग्री और डिप्लोमा संस्थानों के लिए उच्च तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्टता, उत्तम कार्य व्यवहार और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले राज्यों की रैंकिंग 11 सितंबर को जारी किया। इस सूची में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ राज्य, वहीं अंडमान निकोबार को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही सूची में कर्नाटक और केरल को भी श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। आपको बताते चले कि सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किया था। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य ओजोन के विषय में लोगों को जागरूक करना, ओजोन सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी और पृथ्वी के जीवों को संरक्षित करता है। ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, जिससे धरती का तापमान लगातार परिवर्तित हो रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कॉन्टैक्टलेस या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है। इस घड़ी को SBI मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो से लैस किया गया है। इस घड़ी की मदद से उपभोक्ता अब पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनों से बिना डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए भी भुगतान कर सकेंगे। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किए। यह सेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है, जिसकी निर्माण लागत 516 करोड़ रुपए है। साल 2003-04 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई।
इस महासेतु का भारत नेपाल सीमा के पास होने के कारण इसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। साथ ही इस महासेतु से न सिर्फ बिहार का विकास होगा बल्कि इसके द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र से भी संपर्क स्थापित करना आसान हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर कार्यालयों तक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आज़ाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में पहचान दी गई थी, लेकिन हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत साल 1952 से हुई है। खासकर हिंदी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के आकलन के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि इस समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करेगी। साथ ही संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी। समिति 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के कार्यकाल की मंजूरी दी है। खुल्लर वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वे नवम्बर में विश्व बैंक का हिस्सा बनेंगे। खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समय विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने वाले प्रावधान के एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए किया जाएगा। लोकसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को एम्स में निधन हो गया। उन्हें कोरोना संक्रमण के बाद की जटिलताओं के उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। वह मनमोहन सिंह सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार संभाल चुके थे। उनके ही नेतृत्व में नरेगा योजना का शुभारंभ हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी CCO की अध्यक्षता में स्वतंत्र कॉरपोरेट अनुपालन तंत्र की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं, जो कि प्रभावी ढंग से अनुपालन जोखिम के प्रबंधन का काम करेगा। RBI द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार बैंक द्वारा CCO की नियुक्ति कम से कम 3 वर्ष की अवधि के अस्थायी कार्यकाल के लिए किया जाएगा। CCO को केवल असाधारण परिस्थितियों में पूर्व निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके ही उसके पद से हटाया जा सकता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर डाक विभाग द्वारा भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी ASAT के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। आपको बताते चलें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट यानी ASAT मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में इंडियन ऑर्बिटिंग टारगेट सैटेलाइट है, जिसे हिट टू किल में शामिल किया गया। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। भारतीय वायुसेना की प्रक्रिया के तहत सभी धर्मों के गुरुओं ने अंबाला एयरबेस पर पूजा किया। इसके बाद राफेल को वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया।
फिलहाल 8 PM के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।